ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। पीएम बोरिस जॉनसन को मिले बहुमत से न सिर्फ ब्रेग्जिट पर मोहर लग गई है, बल्कि यह नतीजा भारत के लिए भी काफी अहम है। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इसके कई प्रभाव आने वाले समय में दिख सकते हैं। लेबर पार्टी की हार से ब्रिटेन में पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी लोबी को भी जोरदार झटका लगा है। बोरिस जॉनसन के दोबारा सत्ता में लौटने का मतलब है कि 31 जनवरी को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने वादा किया है। भारत और ब्रिटेन संभावित ब्रेग्जिट के बाद व्यापार सौदों को लेकर पहले ही बातचीत शुरू कर चुके हैं। इन संभावित व्यापारिक समझौतों का ब्यौरा तो ब्रेग्जिट के बाद ही सामने आएगा, लेकिन भारत सरकार चाहेगी कि यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। इसी तरह भारत यूरोपीय यूनियन से भी व्यापार समझौते को बढ़ाने की उम्मीद करता है। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इंकार के बाद भारत ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से व्यापार बढ़ाना चाहता है। भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और वहां की इकोनॉमी में अहम मौजूदगी रखता है। चुनाव से पहले भारत मूल के मतदाताओं ने लेबर पार्टी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जबकि परंपरागत रूप से इस पार्टी को उनका समर्थन प्राप्त होता था। कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी के लिए सख्त शब्द और कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की ओर झुकाव की वजह से भारतीय मूल के अधिकतर मतदाताओं ने लेबर पार्टी से मुंह मोड़कर कंजर्वेटिव पार्टी के पक्ष में वोट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 ब्रिटिश भारतीय संगठन जैसे इंडियन नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन प्रोफेशनल फोरम ने लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन को खत लिखकर विरोध जताया था। लंदन में भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर पाकिस्तानी कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने दो हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसे लेबर पार्टी के नेताओं का समर्थन प्राप्त था। वे इस्लामिक सेंटीमेंट्स को साथ जोड़कर वोट लेना चाहते थे। ब्रिटेन के हर हिस्से में फैले भारतीय इस बार लेबर पार्टी से दूरी का मन बना चुके थे और इसका चुनावी नतीजे पर असर पड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह भारत समुदाय के लिए नीति बदलने वाला मोड़ रहा। बोरिस जॉनसन ने लेबर पार्टी से दूर होते भारतीय समुदाय के मतदाताओं को जोड़ने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। पिछले सप्ताह निजडन स्थित स्वामीनारायण मंदिर में जॉनसन ने पीएम मोदी को नरेंद्र भाई बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ और शिक्षा व्यापार में सहयोग का वादा किया। भारत को उम्मीद है कि बोरिस सरकार चुनाव प्रचार के दौरान किए वादे के मुताबिक इमिग्रेशन सिस्टम को बदलकर पॉइंट आधारित बनाएगी, जिससे भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को फायदा होगा।